वो अपने काम में बिजी होगी, इसलिए चाबी प्रज्ञा के हाथ में देकर आना। प्रज्ञा? मेरी बेटी। मेरी प्रज्ञा? मनोज मनोज मनोज, पापा पापा कहाँ हैं? उनका वार्ड कौन सा? उनका, उन्होंने एडमिट होने से मना कर दिया सर। क्या? व्हाट? उनका चेकअप हुआ, उसके बाद वो घर चले गए। सिद्धार्थ? हाँ सिद्धार्थ बेटा। दादी, चाचा जी घर आ गए क्या? पुत्र तू जल्दी घर वापस आ जा। पर वो घर क्यों आ गए? कह रहा है कि अगर मर नहीं है तो अपने घर में मरूंगा सबके सामने। कैसी कैसी बातें कर रहा है, तू जल्दी वापस आ पुत्र। ओके ओके। मम्मी जी, आप रोएंगी नहीं? अगर आप रोएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप जाइए, आराम कीजिए। मैंने कहीं नहीं जाना। जाइए। मेरी प्रज्ञा, जिसे मैंने इतना ढूंढा, वो आज खुद मेरे सामने। नहीं, ये मेरी प्रज्ञा नहीं हो सकती। मेरी प्रज्ञा तो मिसेस प्रज्ञा अभिषेक मेहरा है, पर ये तो उन लेडी की बेटी है। चाबी हाथ में देनी है, उसने कहा था ऊपर जाके फर्स्ट राइट। हेलो, शगुन ने टाल कहाँ रख दिया? शगुन, अच्छा मैडम अंदर। अभी तो हाथ में देनी है। शगुन, ताल पास करना। प्रज्ञा, शगुन क्या कर रही है? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? क्यों बार बार लग रहा है कि ये मेरी प्रज्ञा है, जबकि ये उन लेडी की बेटी है, और इसकी तो मैंने फोटो भी देखी है ना। चाबी प्रज्ञा के हाथ में देकर आना, मेरी बेटी है। मेरी प्रज्ञा यहां हो ही नहीं सकती, वो यहां होती तो मुझे ढूंढ लेती ना, ये कोई और है। ये नाम तुम्हारी तरह और कितनी ही लड़कियों का होगा। इस नाम की लाखों प्रज्ञा होंगी, पर मेरी प्रज्ञा लाखों में एक है। तुम्हारी आवाज उसकी जैसी है, पर मेरी प्रज्ञा जैसी कोई नहीं। शगुन क्या कर रही हो? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? शगुन टाल दो प्लीज। ये मेरी प्रज्ञा नहीं, मेरी प्रज्ञा किसी से ऐसे बात नहीं करती थी। क्या सोच रही हो तुम? टाल दो ना। शगुन तुम टाल दे रही हो या मैं शगुन? कौन है वह? सुमित ने कहा था कोई बात नहीं करनी, क्या बोलूं? कौन है वहां? अरे मैडम, आपकी गाड़ी लेकर आया था मैं। आपकी मॉम ने कहा कि चाबी आपके हाथ में दे दो, तो दे दिया मैंने। चाबी दे? नॉक करना चाहिए ना किसी के कमरे में आने से पहले। तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए? तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ तुम रही हो, शर्म मुझे क्यों आएगी? क्या? ओह सॉरी, वो टावल देना था, मैं भूल गया। टाल तुम टाल मत दो। तुम टाल मत दो। कौन? ये लो।
कुछ हुआ क्या? कुछ हुआ क्या? अभी तो बहुत कुछ होगा। मैं तुम्हारे बॉस से कंप्लेंट करूंगी, तुम देख लेना। मैनेज नहीं है। इसलिए सुमित बोल रहा था कोई फालतू बात मत करना, इसे पहले इसे पता चल जाए कि मैं सुमित ही नहीं हूँ। बेटा अभी निकल ले। हेलो, बंद कर दो दरवाजा। चाबी मैंने दे दी है, मेरा काम तो हो गया। अरे इसकी मॉम को बोलना चाहिए था कि इसकी बेटी डांटती ही नहीं, काटती भी है। सुनो, कहाँ जा रहे हो? मैम ने तुम्हें खाना खाने को कहा था ना? खाना खाओ के डांट खाओ, वो आ गई तो फिर? खाना किचन में और किचन इस तरफ है, आ जाओ। ये मैकेनिक एक तो बदतमीज, ऊपर से लेट। वही खुशबू, वही टेस्ट, बिल्कुल मेरी दादी के खाने की तरह। बस एक चीज मिसिंग है, वो मेरी दादी का प्यार। अच्छा, खाने के लिए थैंक यू। अच्छे से खा लो। मुझे एक बात बताओ, जो ऊपर जो मैडम है ना, उसका नाम प्रज्ञा, तो सब लोग उसे रानी क्यों बुलाते? रानी नहीं, नहीं, बड़ी मैम उन्हें प्रज्ञा ही बुलाती है। मेरा दोस्त उसे रानी क्यों बुलाता है? तुम्हारा फ्रेंड उन्हें रानी क्यों बुलाता है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों बुलाता है? ओ, वो फोन पर नाम रानी करके सेव किया था, शायद असली नाम पता ना होगा। पर मेरी रानी से कहना, आई मीन तुम्हारी रानी से कहना, वो तो रानी है ही नहीं, अपनी तुम्हारी मैडम से कहना कि वो ठंडे पानी से नहाया करे, मैं बहुत गर्म रहता उसका। आंटी, आंटी वो मैकेनिक कहाँ गया? किचन में, उसे मैंने खाना खाने के लिए कहा है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। प्रज्ञा, वैसे तुम्हारी मैडम जो है ना, चीखती बहुत है। क्या, 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 क्या? उनकी आवाज बिल्कुल मेरी रानी की तरह। तुम्हारी रानी? हेलो, ओके वी आर कमिंग। वैसे अब मुझे चलना चाहिए, और खाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मतलब तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, तुम्हारी बातें इतनी अच्छी, अब क्या बताऊं मैं? बहुत टाइम बाद मैंने ऐसा खाना खाया, इसलिए बहुत मजा आया। थैंक यू। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी इतनी तारीफ की, अदरवाइज हमें कौन ही पूछता है। ओए, वो लोग जो है ना, वो इंसान देखकर सच बोलते, मैं काम देखकर सच बोलता हूँ। क्या हुआ प्रज्ञा? वो मैकेनिक कहाँ गया? वो तो चला गया मैम। तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? मैम वो एक्चुअली बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही अच्छी बातें कर रहा था मैम। रियली? मुझे तो बड़ा बदतमीज लगा। आखिर बात क्या है प्रज्ञा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वो मेरे कमरे में आ गया, हाउ डेयर ही। उसे तो मैंने भेजा था। आपने? लेकिन क्यों? हाँ, मैंने सोचा तुम पहले से इतने गुस्से में हो, अगर किसी और को भेजूंगी तो तुम उसका गुस्सा उस पे निकाल दोगी, इसीलिए उसे भेज दिया। हाँ, फिर भी उसे चाबी देना चाहिए था। टाल टॉबर, नेवर माइंड, नेक्स्ट टाइम मिलने दीजिए, फिर बताऊंगी। उसे तमीज से खाना बहुत जरूरी है। सॉरी, वो बुटीक से फोन आया था, सब कुछ रेडी है, चलते हैं वरना वहां भी देर हो जाए। तुम मुस्कुराओ मत। प्रज्ञा, यू थिंक हमें यहाँ कुछ अच्छा मिलेगा? इसीलिए मैंने बुटीक वाले को पहले ही फोन करके बोला था कि हमारे लिए साड़ियां अलग करके रखें। बहुत अच्छा सोचा है तुमने, चलो। मैं इस दुनिया में गरीबी में जीने के लिए नहीं आई, लेकिन किस्मत खराब हो गई और मैं गरीब हो गई। लेकिन मैं गरीबी की वजह से अपनी शॉप नहीं मारूंगी, मैं वो लिपस्टिक चुराऊंगी
रेड वाली, मुझ पे बहुत अच्छी भी लगती है, और लिपस्टिक के साथ साथ अगर और कुछ भी हाथ आ गया तो वो भी चुरा लूंगी। अभी लंच ब्रेक चल रहा है, कॉस्मेटिक काउंटर पे कोई नहीं होगा। चोरी के लिए कितनी रिसर्च की है ना मैंने, तभी तो आज तक कोई मुझे पकड़ नहीं पाया। प्रोफेशनल चोर लग तो अच्छी रही है ना। मैं अभी हाय हाय, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है आपने। टेंडर इस बार आप ही की कंपनी को मिलने वाला है फिर से। थैंक यू। छोड़ दूं मैं आपको? नहीं नहीं, टैक्सी से चली जाऊंगी। इट्स ओके। ओके बाय, सी यू। टैक्सी मालविया नगर। के लिए निकल रहा हूँ डिलीवरी के लिए, वापस आने में 5 दिन लगेंगे। हाँ क्या बोला? हाँ मैं फोन करता हूँ। ये एकदम से कहाँ गायब हो गई? वही तो थी, मैंने रिया को देखा भी या नहीं। माँ और रिया के बारे में ही सोचती रहती हूँ, इसीलिए शायद रिया को इमेजिन कर लिया होगा। शायद मैंने किसी और को देखा और मुझे वहम हुआ कि तनु है। अरे रणबीर चलना, क्या सोच रहा है? तेरा ही तो घर है। आई सेड लीव, मान लेंगे हमारा कोई बेटा नहीं। आप मेरी वजह से रणबीर, सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, इसलिए आप एक शब्द नहीं। आज से तेरा और हमारा रिश्ता खत्म। इस तरह घर से मत निकाल। नहीं बीजी, आज तक मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, कोई रिश्ता नहीं तोड़ा है, पर आज मैं रणबीर से सारे रिश्ते तोड़ रहा हूं। जा रहा हूं मैं, ये घर छोड़कर जा रहा हूं, और सिर्फ इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने मुझे निकाला, मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने मेरी बीवी को निकाला है, और जिस घर में मेरी बीवी को जगह और इज्जत नहीं मिल सकती ना, मैं वहां एक सेकंड नहीं रुकना चाहता। चुरका जी रुक जा रहे जी। रणबीर, ये आखिरी बार मिल रहे हैं, इसके बाद हम अगर मर भी गए
तो भी वापस मत आना। मेरी वजह से कहा था ना बोलना नहीं। तो रणबीर के लिए तुम ऐसे नहीं मानोगी। निकलो इस घर से, निकलो। नहीं कर सकती आप ऐसा मेरी बीवी के साथ। वो आपकी चाहे कुछ ना हो, मेरी बीवी है। रणबीर ऐसी बात मत करो। नहीं बहुत हो गया प्राची, जिस घर में तुम्हें इज्जत और सम्मान नहीं वहाँ पे हम एक एक सेकंड और नहीं रुकेंगे। जिस लड़की को इस घर में कभी भी सम्मान नहीं मिलेगा। मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा रणबीर, हमसे अब कोई उम्मीद मत रखना। चलो प्राची, हम इस घर में कभी लौट कर नहीं आएंगे। क्या हुआ, क्या सोच रहा? मुझे समझ में नहीं आ रहा यार सेठ, इस घर में वापस जाऊं या नहीं जाऊं। एक बात बता, तेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पास का पेन या पास की डैड की तेरी अच्छी मेमोरीज? अब चलना, लेट कर रहा है। चल, मोबाइल भूल गया यार, मैं लेके आता हूं। Yes, ma'am? Hi. I thought aapka lunch break chal raha hai, so I was helping myself. It's okay. Laiye, main dikhati hu aapko. Ye actually selling wale products hai. Main tester dikhati hu aapko. It's okay, you know, mujhe acha nahi lag raha. Aap apna lunch break chhod ke aayi hain. आप जाके लंच कंटिन्यू कीजिए, मैं बाद में आती हूँ। नहीं नहीं, एक्चुअली हमारी मॉल में अचानक से काफ़ी दिनों से बहुत शॉपलिफ्टिंग हो रही है, इसलिए सारी सेल्स गर्ल्स वन बाई वन ही जाती है। कोई और आ जाएगा तो मैं चली जाऊँगी। ओह माय गॉड, ये चोरियाँ हर जगह बढ़ गई हैं। अरे वो लोग चोरी क्यों करते हैं, काम क्यों नहीं करते? मेरे पास ऑलरेडी ये शेड है। मैम कुछ और शेड दिखाऊँ मैं आपको? इट्स ओके, मेरा क्रेडिट कार्ड वैसे भी अब्रॉड का है, आपके मॉल में नहीं चलेगा। ओके, कहीं और जाना पड़ेगा, यहाँ अब कुछ भी चोरी करना बहुत मुश्किल है। ये सब आप साइड में रख दो। हाँ अरे प्रज्ञा, अच्छा हुआ तुम आ गई। ये देखो मैंने कुछ साड़ियाँ सिलेक्ट की हैं, अच्छी है ना ये सब, देखो। क्या हुआ, तुम जब से कॉन्फ्रेंस रूम से निकली हो बहुत टेंस लग रही हो। तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन उसके बैग में पड़े फोल्डर से मिल सकती है। कुछ नहीं। Are you sure? Yeah. लगता है कोई अपना पर्स भूल गया है। Oh my God, ये पर्स तो मेरे पास भी था। सोच क्या रही है तनु, उठा और निकल ले यहां से। ये सारी साड़ियाँ आप पैक कर दीजिए, ठीक है? मेरी शॉपिंग तो हो गई। आई एम श्योर ये सब साड़ियाँ उनको पसंद आएंगी। और मैंने हमारे घर में जो काम करती है ना शगुन, उसके लिए भी ले ली। मैं पे कर देता हूँ। अरे मैं पे कर देती हूँ ना, एक ही बात है एक्चुअली। मेरा
पर्स यहाँ था, मेरा पर्स कहाँ गया? क्या हुआ? यही था मेरा पर्स, पता नहीं कहाँ चला गया। देखो यही कहीं होगा। नहीं, आपने यहाँ देखा? ब्लैक पर्स था यहाँ। नहीं सॉरी मैम, नहीं देखा। ऐसा तो नहीं कहीं गिरा दिया तुमने? गिरा नहीं है, चुराया गया। What? और मुझे पता है किसने चुराया। किसने? तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन उसके बैग में पड़े फोल्डर से मिल सकती है। गेट ऑन द जॉब। लेकिन डैड,